मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। लेकिन इस बार हथपाड़ी जो की 18th ऑफ अप्रैल को हुई थी, आज मैं बताऊंगा कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे की सच्चाई क्या थी। मैं बोलूं मैं तब भी नहीं चाहता था किसी से। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैती का गबे हाथ धोना। जो भी चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब करो, नहीं सब्सक्राइब मत करो, पूरी वीडियोस देखो, सारी प्लेलिस्ट जाके सारी प्लेलिस्ट वाली वीडियोस देखो भाई, अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर। और भाई थैंक यू भाई, तुम लोग अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 4.5 सब्सक्राइबर्स हो गए भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हॉट हॉट टॉपिक पे हॉट हॉट कंटेंट लाते रहना तुम्हारा भाई, बस तुम सब्सक्राइब करते रहना, अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। बेकार लगी होगी तो तुम कमेंट में तोरी गाली मारने के लिए, सॉकेट तुम्हारे भाई ने छुपा दिया है, पसीना तुम्हारे भाई को आ नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्यक्ष। और भाई आ गया स्वाद, मानता हूँ मेरे स्वाद मेरे कमेंट्स में आया, लेकिन भाई तुझे भी स्वाद आ गया। अरे तो भाइयों के क्या हाल है? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। ऐसा है, ये मेरी परसेप्शन थी। देखो भाई, ये मेरा परसेप्शन था बोलने का, तुम्हारा कुछ और होता है, मेरा कुछ और होता है, ठीक है भाई। अब भाई जो टाइटल लेके तुम आए हो उस पे हम बात करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या। ये सारी बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरे पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए, आज बहुत सारी ऐसी बातें की गई स्नेहा ने, उसके परिवार वालों ने, सब कुछ जो है ना मैं आपको शेयर। हेलो गाइस, तो फाइनली आप सभी लोगों ने मुझे कहा था कि स्नेहा सच बताओ सच बताओ सच बताओ, तो हाँ मैं ये वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के पास में। देखो भाई, होगा मेरा फूफा लॉयर है ना, मैं लॉयर ना, मेरा फूफा जज है ना, मैं जज हूँ, ठीक है भाई। तो बेसिकली मुझे ये बताओ, ये यूट्यूब को कोर्ट किसने बना दिया? मतलब दुनिया किसी के करेक्टर को नीचे गिराने के लिए इतना गिर सकती है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जो एक चाचा चाची लड़ रहे हैं बेखामे, इनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, आपको क्या लग रहा है? नहीं आपने, आप एक बेसिकली बाबा तो आपको लग रहा है, आपको लोग बचाने आ रहे हैं यहाँ पे, बंदे को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि कोई बंदा आपको सपोर्ट करेगा, ज्यादा ये लिख सकते हैं कि आई एम विद यू, द सिंपैथी इज विद मी, द एम्पैथी इज विद मी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लिए, मैंने देख लिया कि यही लॉजिक आ रहा है। सर बहुत वल्गर चैट भी थी, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा। और हाँ गाइस, स्क्रीनशॉट तो फेक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, भाई उसकी डेट तो दिखाओ, उसकी वो तो दिखाओ, टाइमिंग। तो पारस ठकराल चाचा जी और जो स्नेहा सचदेवा चाची जी, आपको एक ही बंदा देख रहा है। मैंने पारस ठकराल को देखा, मैंने स्नेहा सचदेवा को भी देखा है। जो ऑडियंस है वो एक ही ऑडियंस है, तो ये मत सोचना कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। आप कल को कोई व्लॉग डालोगे आपको मैं देखूंगा, यहाँ कल को कोई व्लॉग डालेगी उसका भी मैं देखूंगा। तो ये लॉजिकल सी बात मेरे को समझ नहीं आ रही कि आपको, आप किसको डिफेम करना चाहते हो। आपने ये बात अपनी वीडियो में बोली कि स्नेहा ने मेडिसिन उसकी कंप्लीट नहीं करी थी, वो चीज हुई थी, तो हृदय को जब हुआ। आप पारस ठकराल भाई, आप अपने आप को डिफेम करना चाहते हो या स्नेहा सचदेवा आप अपने आप को डिफेम करना चाहते हो? मतलब आप एक बात बताओ, आपने इससे ऑडियंस पा भी ली तो उसका होगा क्या? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मेरी दुर्गाठी कॉन्ट्रोवर्सी में 600 व्यूज आ गए, अप्रोच 600 व्यूज आ गए, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? फिर मैं 50 व्यूज पे आ गया, तो इससे कुछ फायदा नहीं। इसका यही फायदा होता है कि फ्री फंड का खाओ, उड़ता तीर ले लो। और मैं तुम्हारी वीडियो में आ जाऊंगी, तो हमारी ये बात होती है, तो सबसे पहली बार स्नेहा मेरे पास आती है, सबसे पहली मीटिंग जो होती है ना वो यहाँ से शुरू होती है कि वो एक प्रैंक। तो भाइयों कहीं जानो मत, मैं तुम्हें अनकट वीडियो दिखाऊंगा, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ हर एक चीज भी दिखाऊंगा। ये क्या लॉजिक है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप मेरे को लॉजिक दिखाओगे क्या करोगे, जरा मेरे को बता दो, मैं क्या करूंगा? आपके कोर्ट में गवाही दूंगा जाके? बात तो सही है। मतलब मैं काम किस लिए कर रहा हूँ, मैं YouTube पे वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? ये बना रहा हूँ कि मेरे को फेमस मिले या मेरे को फेम मिले? मैं ये सोच के थोड़ा बना रहा हूँ कि 3-4 साल में मेरे को फेमस हो जाऊंगा, नहीं फिर मेरे को कोई बंदा आएगा वो मेरे को डिफेम करेगा और उस डिफेम के चक्कर में मैं उसको रिप्लाई दूंगा। भाई अगर आप सच्ची हो, आपको यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एक जगह है कोर्ट, वहां पे जाके अपने आपको प्रूफ करो और फिर बोलो कि मैं कहीं जीत गया, वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब वो वीडियो बना रही है, आप रिप्लाई दे रहे हो, क्या चल रहा है? लीड व्हाट्सएप चैट हो रही है यहाँ पे, फायदा किसका हुआ? इसमें फायदा आप दोनों का तो बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें फायदा हुआ हम जैसे यूट्यूबर्स का।
अब बहुत से लोग उड़ते हुए घुसते हुए आएंगे, जैसे कि ध्रुव राठी की वीडियो में आए थे कि भाई तुम किसी की फैमिली मैटर में घुस रहे हो। अरे भाई उन्होंने पूरा फैमिली मैटर यूट्यूब पर डाल दिया, तो भाई फैमिली मैटर तो वो रहा नहीं, पर्सनल तो जब होता ना तो भाई वो कोर्ट में खुद लड़ रहे होते और कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं लीक हो रही होती। मतलब ये नौ बता रखी है कि चैट तक लीक हो रही है, मतलब तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी बात। नहीं तुम ये अज्यूम करो कि कल को इनकी बातचीत हो भी जाती है तो क्या होगा, ये होगा क्या, मतलब मेरे को बताओ ये किस वे में दूसरे को देखेंगे एक दूसरे को, जरा मेरे को लॉजिकल सी बात बता दो। तुम लोग नहीं समझ आई ना, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें मेरी वीडियो भी समझ नहीं आता, ये फंस गए। चलो भाई ठीक है भाई, मैंने ना इन दोनों की दोनों ही वीडियो देखी, तो मेरा तात्पर्य यही बोलने तुम मेरे को क्या चाहते हो कि मैं उसको फॉलो करूं या मैं इसको फॉलो करूं। देखो भाई मैं अगर मैं तुम्हारी ऑडियंस तो भाई मेरी मर्जी, मैं किसी को भी फॉलो कर नहीं। पहली बात तो डेली व्लॉगर्स को फॉलो करने का कोई तुक बनता नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनता। डेली व्लॉगर्स का काम क्या होता है, फॉलो उसी कर दो ना जिसका तुम डेली व्लॉग्स देख सको। अब भाई इनका डेली व्लॉग्स ही कंटेंट है तो भाई क्या करेंगे उसको, तो यूट्यूब पर वही दिखाओ जो एंटरटेनमेंट हो। ये लोग सिंपैथी विंपैथी का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, तुम्हें बुरी लगी होगी ये बात लेकिन ये सच्चाई है। और पारस सकरवाल भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, आप बहुत बड़े यूट्यूबर, आपके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई, आपके हर वीडियो पे जो जो आपने एक्सपोज किया है, आप गोल्ड डिगर बोल रहे हो उसको गोल्ड डिगर एक्सपोज, ठीक है भाई मैं मानता हूं आपके साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत नहीं हुआ है, लेकिन भाई आपको व्यूज का क्या फायदा, आपको व्यूज का क्या फायदा। अगर स्नेह सचदेव चलो बात फैला रही है, स्नेह सचदेव चलो पैसों पे काम कर रही है, आपकी वीडियो डाल रहे हो, अगर एक बंदा भी चुप हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से ताली बजती नहीं है, तो अगर वो पकड़ करिए तो आप भी कम नहीं हो। देखो भाई मेरा काम है ये बोलना क्योंकि यूट्यूब पे बातें आ चुकी है, मैं बीच बीच में तुम्हें डिस्क्लेमर देता रहा क्योंकि तुम बोलोगे कि सालो साला तू व्यूज के लिए कुछ भी करता है, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। तो भाई मैं आज इनको रोस्ट नहीं कर रहा, ये एक्सपोज कर रहा हूं मैं इन दोनों को, बेसिकली ये कर क्या रहा है यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब पे तुमने क्या बना रखा है, अभी यूट्यूब क्या फैमिली कोर्ट है, या मेरे को तुम लॉजिकल सी कुछ आंसर बता दो मेरे को। मैंने वो चीज आपसे हाइड नहीं करी थी बिल्कुल भी, तो अगर वो चीज में मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था, मेरी मेडिसिन चल रही थी, उसके बाद हृदय हुआ। चलो भाई स्नेहा सचदेवा का समझ भी आता है, नहीं स्नेहा सचदेवा तो मुझे पता है कि वो क्यों वीडियोस बना रही है, वो आपको वीडियो जिसने बना रही है कि उसकी अर्निंग हो जाए, अभी उठ जाएगा उसका कंटेंट, और दूसरी बात है वो आपको डिफेम करना आती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, आपको एडिटर आपको बता नहीं पा रहा, मैं आपको बताता हूँ वो आपको डिफेम कर रही है। लेकिन भाई आपने ऑडियंस पाई है तो आपने ऑडियंस की, आपने कौन सी ऑडियंस पाई है, आपने अच्छी ऑडियंस पाई है ना। मैं आपको भाई बहुत पहले से फॉलो नहीं कर रहा लेकिन मैंने आपकी वीडियो सारी देख ली है, आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत प्यार है, तो भाई आप ये एलिगेशन कोर्ट में लगाओ ना। आप यूट्यूब पे आपको क्या लग रहा है, यूट्यूब पे आपको कोई कंसल्टेंट मिल जाएगा, यूट्यूब में भाई कोई बंदा किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपकी वीडियो देखी लेकिन बदनामी किसकी हुई, आपकी और आपके घर की बदनामी हुई, तो भाई मेरे से 50 यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी है, अब तो अगर आप प्राइवेट करोगे तो उसका फायदा कुछ नहीं है ना। आपने पड़ी लकड़ी ले ली है, गुजारिश करता मतलब पारस सकरवाल भाई आप कहाँ से उठे हो, मुझे पता आपकी जो फेम है गिर गई है, तो भाई आप पे 10 एलिगेशन लगे हैं, मैं होता नहीं हूँ पहली बात तो कोई बोलने वाला, लेकिन भाई मैं ये तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि भाई 10 एलिगेशन लगे तो 10 में से 2 तो ठीक होगी होगी। देखो भाई यहाँ पे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ ना भाई, मैं कोई होता हूँ पक्ष में लेने वाला, लेकिन भाई यूट्यूब पे बात आई है तो भाई यूट्यूब पे तुम्हारा भाई है ही। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सिर्फ 4 थप्पड़, तो पहले तो ये फोटो देखकर बताना ये सिर्फ 4 थप्पड़ है, अगर ये सिर्फ 4 थप्पड़ है तो प्रेस लाना, क्योंकि वो हमारा मैनेजर था उस टाइम पे, तो वो स्नेहा का अकाउंट मैनेज। नहीं भाई पहले यही कर लो, तुम दोनों है आप गलत दिखाने से क्या फायदा, जरा मेरे को लॉजिकल सी बात बताओ तुम दोनों। तो भाई यूट्यूब पे तुम्हें बहुत वीडियोस मिलेंगी लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे किसी को रीजन देना चाहिए या कौन सही है कौन गलत है, इसका हक भाई अभी भी हमारे इस कलयुग में कोर्ट को ही मिलना चाहिए। मानता हूँ बहुत बहुत बुरी बात है घर की चीज बाहर निकलना, डिफेम करना किसी चीज को, लेकिन भाई क्या कर सकते, सोल्यूशन ही नहीं। बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है सपोज करना ब्रो, सपोज तो करते हैं सर कमेंट में गाले, तुम्हारे घर में कोई बसर चल रही है और तुम्हारे घर की फैमिली प्रॉब्लम कोई यूट्यूब पे डाल के फैला रहा है, तुम्हें कैसे लगेगा, नॉर्मल सी बात बताओ। इससे कुछ फायदा नहीं होगा, मैं सच बताऊं इससे, अभी मैंने वीडियो डाली, अभी 10 यूट्यूबर और बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो डाल देंगे, क्या होगा, उनको कंटेंट मिल जाएगा लेकिन बदनामी किसकी होगी, आप लोगों की बदनामी होगी। अगर एक या दो साल बाद आप वीडियो देखोगे तो भाई इससे क्या, आप क्या सोचोगे भाई मैं कितना पागल था, मैंने वीडियो डाल दी उसके चक्कर में, रिप्लाई के चक्कर में, भाई उसका क्या लॉजिक है, जरा मेरे को बताओ। आपने अपनी ऑडियंस ऐसी थोड़ा पाई है, आपने ऑडियंस अपनी मेहनत करके पाई है भाई, अगर यही दिखाना था आपको तो भाई क्या फायदा भाई। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले तो डेट कब की है और किस, फिर आप बड़े हंस के कह दो कि भाई मेरी लास्ट वीडियो थी भाई, 4 वीडियो तो आपने डाल दी, 6 मिलियन व्यूज तो आ गए आपके अच्छे खासे, तो भाई क्या फायदा उसका। यूट्यूब पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुई है लड़ाइयां असली में, देखा दोनों पार्टीज की, तो दोनों पार्टीज को देखना बंद कर दिया भाई, दोनों पार्टीज का चैनल अच्छा चल रहा है,
फायदा क्या, बात क्या होती है, लेकिन भाई बात ही होती है कि घर पे जब प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। भाई मैं चाहता हूँ भाई अभी भी टाइम है तुम दोनों के पास, तो भाई एक प्राइवेट कर लो सारे एक वीडियो, अभी भी टाइम है, 1% भी अगर टाइम होता, अगर 1% भी मौका होता तो भाई दोनों सुलट रहो एक दूसरे के साथ, तो भाई वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपकी ऑडियंस के लिए भी जो आपने पाई है। वरना भाई तुम्हें पता लड़ाई में तो कोई खुश रहता नहीं है, तीसरी पार्टी हमेशा खुश रहती है। चलो भाई ऐसे ही मिलते रहो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, मैं मिलता रहूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। इधर इधर हैं, बहुत हेट फैला दिए। मिलता तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तुम्हारा भाई कैरिमिनाटी को रोस्ट कर रहा है नेक्स्ट वीडियो में। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, बेसिकली शेयर मत करने भूल जाना, क्योंकि भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब जो कचरा हटा रहा था वही कचरा बन रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।